See, next fourth center, that is the circumcenter of any triangle. तो उसमें circumcenter में किस तरह से निकालना होता है? Circumcenter is normally given by the O. Capital O letter is used for the circumcenter, and it is the point of intersection of point of intersection of three side bisectors. ये ध्यान रखें कि जो इन सेंटर आया था वो एंगल बाइसेक्टर से आया था, एंगल को बाइसेक्ट किया था, और यहाँ पे तीन साइड्स को बाइसेक्ट करेंगे. तो वो आपको मैंने करके दिखाया था, इसमें एक बार और ले लेते, ठीक है ना. सो थ्री सपोज वर्टिसेस आर गिवन. सो साइड बाइसेक्टर मीन्स यू हैव टू ओपन द कंपास मोर देन हाफ ओपन करेंगे और उसको कट करते हैं. तो ये देखिए, आपको ये वाला से पॉइंट मिलता है. लेट्स से दिस इज डी एंड अगेन मेकिंग द मोर देन हाफ कंपास ओपन एंड इट इज आई एम टेलिंग यू द हाउ द साइड बाइसेक्टर्स इज ड्रॉन. टेंथ में किया था, इंटरेस्टिंग थे सारी चीजें, ठीक है ना. तो वो सब कुछ वर्कआउट तो किए ही थे हमने, और वो जो ज्योमेट्री है वो रह गई, वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री थी जो कि हमने वर्कआउट की थी अप टू नाइन्थ एंड टेंथ लेवल. ये फ्रॉम द एट्थ आप लोगों ने स्टार्ट किया था, मैंने भी किया था. सो एट नाइन टेंथ, तो ये सारी जो बातें हैं वो वहाँ छूट जाती हैं. और अब हम आ जाते हैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे. तो वो जो प्रैक्टिकली हमने जो वर्कआउट किए हैं, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द सर्कम सेंटर एंड दैट सर्कम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री साइड बाइसेक्टर्स. सेकेंड बाइसेक्टर मिलेगा आपको मोर देन हाफ कंपास ओपन करेंगे एंड व्हेन यू ज्वाइन दीज लाइंस सो डेफिनेटली द दिस इज द मिड पॉइंट इज ऑब्टेंड. दिस इज द सॉरी साइड बाइसेक्टर इज ऑब्टेंड. साइड का बाइसेक्टर मिलता है, जो साइड के बाइसेक्टर्स हैं वो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं. देखिए थर्ड साइड बाइसेक्टर भी इसी तरह से निकाल लेंगे, और जो साइड बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा दैट पॉइंट इज नोन एज द ओ. एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंट इन दिस दैट व्हेन यू जॉइन दीज थ्री वर्टिसेस OA, OB एंड OC जॉइन करेंगे. सो OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC एंड दिस इज व्हाई वी कैन ड्रॉ द वन सर्कम सर्कल देयर. सो दैट इज नोन एज द सर्कम सर्कल. यू कैन ड्रॉ द वन सर्कम सर्कल एंड दिस इज द सर्कम सर्कल whose radius is capital R. Its radius is given by the capital R and the center is given by the O, and this is used for find out the this particular thing is used for find out the particular circumcenter. If you want to find out the circumcenter, वो निकालने के काम में आती है, ठीक है ना. और जो उसका दूसरा एक formula है वो यूजलेस है बिल्कुल, डेफिनेटली सभी बुक में लिखता है अरिहंत वगैरह, सब लोग लिख रहे हैं उसको, है ना. और क्या मालूम क्यों लिखते हैं, वो कभी काम भी नहीं आता और उसका कोई यूज भी नहीं है. तो थ्योरी में आप हर जगह देखेंगे जो सर्कम सेंटर वो लिखा रहता है एक्स वन साइन टू ए प्लस एक्स टू साइन टू बी प्लस एक्स थ्री साइन टू सी डिवाइडेड बाय साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? इट इज नेवर यूज एनीवेयर, बिकॉज फॉर नोइंग दिस यू हैव टू नो ऑल द थ्री एंगल्स ए बी सी पता होना चाहिए एंड उनके डबल ऑफ द एंगल का वैल्यू पता होना चाहिए. देन यू शुड द साइन ऑफ टू ए यू शुड नो, साइन टू बी यू शुड नो, साइन टू सी यू नो, देन ओनली यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द सर्कम सेंटर, राइट. सो इन द थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट यू कैन रिमेंबर द फॉर्मूला, बट आई डू नॉट थिंक दैट इट इज यूज टू फाइंड आउट द सर्कम सेंटर. सर्कम सेंटर के लिए तो कभी यूज में नहीं आता. उसके लिए जो वर्किंग मेथड है वो मैं बता देता हूँ क्या यूज करते हैं. सो वर्किंग मेथड है दैट वर्क्स रियली, वर्किंग मेथड टू फाइंड आउट सर्कम सेंटर, राइट. यहाँ पे आप लेट कर लेंगे, लेट कोई भी पॉइंट ले लेंगे जनरल एक्स वाई, लेट एक्स वाई बी सर्कम सेंटर. यूज सेकेंड पॉइंट ये, यूज ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी रिजल्ट.
अब आप देखिए एक चीज देखेंगे कि ये वर्टेक्स ए आपको गिवन होगा, एक्स वन वाई वन पता होगा, एक्स टू वाई टू मालूम होगा, एंड एक्स थ्री वाई थ्री वी नो, राइट। व्हेन यू नोज द ऑल द थ्री वर्टिसेस यू कैन यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला, यू इवन यू कैन स्क्वायर, राइट, और यू कैन यूज द ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर। तो एक बार जब आप इस रिजल्ट को इसके साथ इक्वेट करेंगे, उसको आप इक्वेशन वन बोल देना और ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर लिख देना, उसको इक्वेशन सेकेंड लिख देना, और जब दोनों को इक्वेट करके सिंप्लीफाई करोगे, देन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज द सरकम सेंटर। सो दिस इज द वर्किंग मेथड हाउ यू कैन फाइंड आउट द सरकम सेंटर। ठीक है, वो जो फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं सभी बुक्स में दिया रहता है, वो एकदम यूजलेस है, ठीक है ना, उसका कोई यूज उसमें आता नहीं। अब हम इस पे क्वेश्चंस ले लेते हैं।